हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में खुश होंगे और सुरक्षित होंगे, और माता रानी की से दुआ करती हूँ कि आप हमेशा मस्त रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। और नवरात्रे शुरू हो चुके हैं जी, पहले नवरात्रे है आज, तो आपको सभी को नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, बहुत बहुत बधाइयाँ हो। और माता रानी आपके हर एक मनोकामना पूरी करे और आप हमेशा खुश रहें। फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ, पर मैंने फास्ट नहीं रखे हुए। कई बार ऐसी मजबूरियाँ हो जाती कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, तो फास्ट तो नहीं है, पर फिर भी माता के साथ तो दिल से श्रद्धा है, जुड़ी है मेरी। और फ्रेंड्स, अभी मैं उठी हूँ तो मैंने कपड़े धोने डाल दिए हैं और नहाने का काम कर लिया है। राजीव स्कूल जा चुका है, उसने नाश्ता करके चले गया था। अभी और काम घर का काफ़ी है, तो मैं अभी आपके साथ अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, तो मिलते हैं आपके साथ थोड़ी देर और देखें कैसे कैसे काम हो रहा है। ठीक है जी, इधर भी कपड़े धो रहे हैं और इधर भी मैंने कपड़े डाल दिए धोने के लिए। और अभी घर का बहुत काम है करने के लिए। ये वाली मतलब ड्राइंग मैंने खुद की हुई है, ये वाली काफ़ी साल पहले किए थे मैंने, काफ़ी टाइम ऐसे रखे हुए थे ये तकिए, फिर इसमें सैलाब भी आने लगे, सीलिंग से ये ख़राब हो गए थे जब पहले दूसरे वाले कमरे में रहते थे हम, फिर रखे रखे क्या ख़राबी हो जाती चीज़ें, मैं फिर मैंने ये लगाना शुरू कर दिए थे, तो जो इसमें सीलिंग लग गई थी उसकी वजह से ये थोड़े फैट फैट से दिखते हैं। फ्रेंड्स, अभी जो मैंने झाड़ू भी नहीं लगाया हुआ और पोछा भी नहीं लगाया हुआ, सारा काम ऐसे ही करने को है। ये कल हम श्राद्ध था ना, तो फिर लेके आए थे पत्ते,
यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ बैठे करती रहती हूँ, कभी क्रोशिया का, कभी बुनने का, कभी कुछ। वो यहीं जैसे साथ में रखा हुआ, फिर रात को मैं जब सोती हूँ तो बैग में डाल के रख देती हूँ। ये पड़ोसी का घर है, ये भी लगाते कभी भी नहीं आते, चल रहा पड़ता है, क्या करें। मैं बता रही थी कि इतने सारे कपड़े यहाँ भी धो दिए और पोछा भी लगा दिया हुआ। यहाँ पे पड़ोसी रहते हैं, लड़के रहते हैं, अपना काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, तो सुबह शाम ही रहते हैं, मतलब वो दिन को तो रहते नहीं यहाँ पे। तो यहाँ भी मैंने साफ़ सफाई कर दी थी, इनके पास टाइम नहीं होता लड़कों के पास, और लड़के कहाँ इतने काम करते हैं। और सारी गैलरी चमका दी थी और इतने सारे कपड़े इधर को धोए थे, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि बारिश में मौका नहीं लग रहा था कपड़े धोने का। तो बस आज कपड़े भी इनकी धुलवाई भी होगी थी और सारे मैंने गैलरी भी चमका दी थी बाहर से। यहाँ भी बहुत मिट्टी मिट्टी बहुत गंदे हो रहा था, क्योंकि कीचड़ वाले सो जाते थे अंदर। और ये मौसम देखो, आज मौसम कैसा हुआ हुआ, बादल देखो कैसे हुए हुए, अभी भी ऐसे लग रहा है कि बारिश आने वाली है, मतलब मौसम खुल रहा है। और पार वाली बिल्डिंग में इनके पानी नहीं था, ये बेचारे बड़ी मुश्किल से पानी का